आपका सवाल कि शबनम सलीम के ट्रायल को लेके है। ट्रायल जिस तरह से इस बात को हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी मानती है कि कई बार ट्रायल में ऐसी कई खामियां होती हैं जिसका एक तरह से जिसकी परेशानी जिसका परिणाम जिसका रिजल्ट जो आरोपी होता है उसको भुगतना पड़ता है उसके सामने आता है लास्ट में आता है उस समय की खामियां। तो शबनम सलीम भी केस जो रहा वो भी इस बात से अलग नहीं रहा, वो भी इसी में शामिल है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है इन्वेस्टिगेशन टूल्स है उनमें भी कहीं ना कहीं खामियां, अब सुधार हो रहा है लेकिन ये घटना 12 साल पहले की है, उस समय का फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हो रही है, अब चीजें चली हैं, संभल नहीं, बहुत सरकारें प्रयास कर रही संभालने का कानून की जुडिशियल सिस्टम को। तो जो चीजें चार्जशीट हो चाहे इन्वेस्टिगेशन हो चाहे एविडेंस हो चाहे डिफेंस एविडेंस हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड हो क्रॉस एग्जामिनेशन हो उसकी चीज, क्योंकि इस देश में है क्या सजा काटने वाले अधिकतर मुलजिम जो सजा याफ्ता कैदी हैं मुलजिम हैं वो मध्यम से नीचे के परिवार के आते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली की सजा के लिए बड़ी समस्या आती है। और फांसी की सजा की बात करें तो वो भी यही है, फांसी का फंदा सिर्फ गरीब के लिए बनता है, अमीर के लिए नहीं बनता। अमीर के लिए बस्तर में आज तक फांसी का फंदा नहीं बना है, कोई बता दें रिकॉर्ड किसी में, फांसी के घर सस्ते हैं गरीबों के लिए। और मैं आपको बताऊं अपने दिल की बात, जब ऐसी शुरू होती है डेथ वारंट की बात शुरू होती है, फांसी देने की बात शुरू होती है, फांसी घर सजने लगते हैं समरने लगते हैं उनकी मरम्मत होने लगती है, हमारी नींद उड़ जाती है, हम रातों को सो नहीं पाते हैं। मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट होने के बावजूद रातों को सो नहीं पाता हूं, दवाएं लेने के बावजूद नहीं सो पाता हूं, मेरी ऐसी विडंबना है। ऐसी देश की सोच होनी चाहिए, देश को एक तरह से आज भी माननीय मोदी जी ने अपने मन की बात में कितनी अच्छी बात की, वॉरियर्स वॉरियर्स बनिए, वॉरियर्स बनिए, बैरियर मत बनिए, रुकावट मत बनिए, आप आगे बढ़ने वाले बनिए, नई सोच करिए, फांसी की सजा में भी नई सोच के साथ बदलाव कीजिए, इनका प्रयोग कीजिए, इनका उपयोग कीजिए, इनको समाज के लिए उपयोगी बनाइए, इनकी गलती का एहसास कराइए, शबनम सलीम और उसके बेटे ताज को भी अपनाइए, आप समाज को दिशा देने का काम कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं, समाज में अच्छे को सुधारा जा सकता है, सुधार गृह में बदला जा सकता है, फांसी घर मत बनाइए। इस महात्मा गांधी के सिद्धांत नहीं, देश के और विश्व भर के कितने लोगों का सिद्धांत ऐसा रहा है, सुधारात्मक रवैया, सोशल रिफॉर्मिंग की चील आप में पैदा करनी पड़ेगी, उत्साह पैदा करना पड़ेगा अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के साथ अपने पे उस घटना के साथ सोच के और उसके साथ ये जो 12 साल बाद हुआ शबनम सलीम मामले में उस पर देख के सोचना चाहिए कि फांसी की सजा खत्म होनी चाहिए, हमारे सिस्टम से न्यायपालिका से भी ये बात आनी चाहिए।